तो व्हाट्सअप यूट्यूब पीपल, तो भाई कैसे आप लोग। तो गाइज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं भाई, एक और ड्रैग के साथ। तो भाई आज ड्रैग होने वाली है अपनी मारुति स्विफ्ट वर्सेस अपनी ह्यूंडई वेन्यू। स्विफ्ट के इंजन स्पेक्स की बात कर ले तो भाई स्विफ्ट आती है अपनी 1.2 लीटर पेट्रोल एन इंजन के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 83 BHP, साथ ही 113 Nm टॉर्क। साथ ही भाई अपनी वेन्यू की बात कर ले तो भाई वेन्यू आती है अपनी 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ही, 1.4 या 1.5 लीटर की है, 2022 मॉडल है। स्पेक्स की बात करें तो भाई 1.5 लीटर डीजल इंजन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज, जो पावर प्रोड्यूस करती है 99 BHP, साथ ही 240 Nm टॉर्क। ठीक है, दोनों ही गाड़ियाँ वैसे तो मैनुअल हैं, स्विफ्ट पेट्रोल है अपनी, वेन्यू डीजल है। फ़र्क रहने वाला है जहाँ तक भाई मेरे को लगता है ना, कि भाई स्विफ्ट में अपना एन इंजन है तो एन इंजन के अंदर कोई लैग आता नहीं है। ठीक है, लैग वैसे तो अपना वेन्यू के अंदर भी लैग नहीं है, आपने पहले की ड्राइव्स देखी होंगी तो लैग्स होते हैं, बट वेन्यू के अंदर कोई लैग नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन है, मोड्स कोई गाड़ी में नहीं आते, सिर्फ गियर डालना एंड स्टार्ट करना। तो एक बार भाई जनता से ओपिनियन लेते हैं भाई, एक बार अपने रोहित भाई हैं साथ में। रोहित क्या लगे? डीजल इंजन है तो वेन्यू तो जाने देगी नहीं, बट विक्की पे मेरे को एक ट्रस्ट है ड्राइवर पे, विक्की मतलब जी जान झोंक देगा, पूरी खोल देगा शिफ्ट को, जान नहीं देगा। अच्छा सौरभ भाई आपको क्या लगता है, आप वैसे तो ह्यूंडई ओनर हो। बाकी भाई करते अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट बिना किसी देरी के। कर रहे हैं गाइस अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट, आ गए वेन्यू में। भाई वेन्यू के अंदर कोई मोड आता नहीं है, एसी हमने ऑन कर रखा है, बेल्ट हमने लगा ली है, दो बंदे हम वेन्यू के अंदर है, दो ही बंदे स्विफ्ट के अंदर है। भाई कोई मोड आता है स्विफ्ट के अंदर? एसी एसी ऑन है। ठीक है, तो ये भाई कंड हो गए हमारे, दो दो बंदे दोनों गाड़ियों में, और कर रहे हैं भाई अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट। कर रहे हैं भाई अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट। सौरभ 3-2-1 कर देगा, आप उधर 3-2-1 कर दो उनको। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3-2-1 जैसे कि हमने तो काफी अच्छा स्टार्ट लिया और ये भाई स्विफ्ट कर दिए पीछे, स्विफ्ट दिख ही नहीं रही है गाइस, उनकी स्टार्टिंग बहुत लेट थी। और ये भाई अपनी 120 गाड़ी पहुंची थी 120 में, काफी शानदार परफॉर्मेंस। ब्रेक ले लेते हैं भाई 130, ड्रैग जीत गया और स्विफ्ट स्टिल पीछे है भाई, शायद लॉन्च नहीं हुआ मेरे को जहां तक लग रहा है, लॉन्च में इशू था है ना, पूछते हैं एक बार। ठीक है कर दे, गाड़ी सीधी कर ले, टायर सीधा। चलो भाई सेकंड राउंड यार चालू करते हैं। चलो कर रहे हैं सेकंड राउंड स्टार्ट ऑन 3-2-1 भाई अपना लॉन्च थोड़ा हल्का हो गया, पर नहीं टर्बो चार्ज है, नहीं छोड़ेगी टर्बो चार्ज तो निकलेगी। ब्रेक ले लेते भाई, इस बार लॉन्च ठीक हुआ था, तो एक काम कर लेते भाई, दो राउंड कर ले, स्विफ्ट पीछे थी, आप अपना एसी बंद कर लो, हम अपना एसी ऑन रखते हैं, एक एडवांटेज स्विफ्ट को दे देते हैं। ठीक है, स्विफ्ट को भाई एडवांटेज दे दिए एक, हाँ इसमें हमारा एसी ऑन रहेगा, ऑन ही है। ठीक है, स्विफ्ट में एसी बंद करके फिर देखते हैं। तो भाई कर रहे हैं अपना राउंड स्टार्ट ऑन 3-2-1 भाई। हालांकि मैं रेड लाइन पे भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आप देखो कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा दे दिया वो आ रही है, मैंने रेस छोड़ दी थी तो अब आगे लाने लग रहे हैं, बट कोई नहीं
ब्रेक ले लेता है। क्या हो गया? लॉन्च अभी इस बार अच्छा नहीं हो पाया, पिछली बार जितना। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा कोई नहीं, इस बार तो एक काम करो, फिर एक रीटेक करते इस राउंड को, ठीक है? विदाउट एसी एक और रीटेक करते। आपकी गाड़ी में एसी बंद रहेगा, हमारी में एसी ऑन रहेगा, ठीक है? थोड़ी आगे और कर लेगा? नहीं ठीक है, आगे कर रहे हो, एडवांटेज नहीं, एडवांटेज आई थिंक इतना ही बहुत है भाई। इतना इतना मेजर पावर है नहीं जो एडवांटेज दे सके, तो भाई इसी को राउंड को रीटेक कर रहे हैं अपना। तो बेल्ट लगा लो भाई, ये दो टंग टंग कर रहे हैं, हमने सोचा कि सब ठीक हुआ। तो 3 2 इस बार ओ बट कोई नहीं कोई नहीं, गैप भाई सेम 120 पे क्रॉस करके शॉट को 120 पे। इस बार अच्छी टक्कर थी सर, इस बार अपना लॉन्च थोड़ा वो दिक्कत हो गई थी, बट कोई नहीं, लॉन्चिंग का इशू है बाकी तो। हाँ जो अब सीधी सी बात है, जो पहले गाड़ी लॉन्च होगी वो एंड भी जल्दी पकड़ेगी, मतलब उसका 0 to 100 इजी पड़ेगा, जो पहले निकलेगी वो पहले टच करेगी 0 to 100, बट स्टिल ठीक है, ठीक है बढ़िया। तो गाइस जैसा आपने राउंड्स देखे भाई, हमने 3 राउंड करे हैं, 3 के अभी 4 हो गए हैं भाई। चारों राउंड के विनर अपनी भाई वेन्यू रहती है, ऑब्वियस ही बात है भाई, जब इसका टर्बो किक इन करता है तो भाई ये स्विफ्ट को नहीं छोड़ती है, ठीक है? दूसरी बात भाई, हमने स्विफ्ट को एडवांटेज भी दिया, स्विफ्ट में एसी भी ऑफ करा था, बट स्टिल अपनी जीतती वेन्यू है। एज अ भाई जनता ने किस किस ने कहा था, स्विफ्ट की साइड ली थी किसी ने? नहीं नहीं ड्राइव, बट जब मैंने पहले ड्राइव देखी थी भाई, मेरे को लगता था कि शायद स्विफ्ट जीत जाए, बट आई थिंक वो 1.4 थी, 1.5 है, ड्राइवर्स का फर्क हो सकता है भाई। बट जो भी थी गाइज, विन अपनी वेन्यू करती है, ऑब्वियसली क्लीन विन है चारों राउंड्स के अंदर। तो गाइज यही थी कुछ आज की वीडियो, वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।